So guys, ये हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, लेकिन हम कुछ 2 किलोमीटर आगे चले गए थे जो जो उसमें, और ये ट्रैकिंग वाला रास्ता, ट्रैकिंग वाला। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी ऊपर जाने के लिए। आ जा, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट। गाइस जब भी आऊँ तो ये है एंट्री पॉइंट दिखेगा, और यहाँ से ये है, और टिकट लेनी पड़ेगी 50 रुपये पर बंदा, 50 रुपये की एंट्री है। अब अभी से आपने लग गया तो, और ये ट्रैकिंग है। और आप सोच रहे हो कहाँ जा रहे हो नैनीताल में, ये ऐसा जो व्यू पॉइंट है ना, आप भी बोलोगे भाई साहब क्या जगह गए हो तुम लोग। डंडे डंडे ले ले, शेर सारा दिख जाए, साढ़े शेर पकड़ लेंगे खाओ का ले, तू ऐसी पकड़ के रखिए, ऊपर जा रहा हूँ। 2 किलोमीटर चलना है। अभी हम नैना पीक के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं, और देख रहे हम कितना ऊपर है, खाई है नीचे, नीचे लोग दिख रहे होंगे, बच्चे बच्चे। अभी तो और ऊपर जाना है व्यू पॉइंट पे, चले। हम दो बस अकेले इस जंगल में ट्रैक कर रहे हैं ट्रैक, और हमें शाम से पहले ऊपर पहुंचना है। अगर शाम हो गई तो पूरा व्यू खराब हो जाएगा, क्योंकि धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और पहाड़ पे जा रहे हैं सबसे ऊपर, और ऐसा लग रहा है हम ही चल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का और खतरा है, किसका, शेर, जानवर का नहीं शेर का, चीते वगैरह ही चलते हैं यहाँ पर नॉर्मल है। दो रूट दिखा रहा हूँ वहाँ पर, हिमालय के लिए यहाँ जाना पड़ेगा व्यू के लिए, और हमारे नैनीताल तेल वाले पी के लिए। पर यहाँ से ट्रैकिंग है क्या, मैं पागल है, ट्रैकिंग होगी, ये रास्ता जा रहा कहीं ना कहीं, ज़्यादा तो पता नहीं भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, ऊपर का रास्ता कहीं जाने का, हिमालय व्यू का, जहाँ हम जा रहे हैं ना गाइस हम वहीं जाना चाहते हैं। पहली बात तो दो बंदे हम, चलो कितना दूर है भैया, 15 मिनट लगेंगे जाने में। अभी 15 मिनट लगेंगे भाई साहब, अभी 15 मिनट और लगेंगे, 25 मिनट तो चल ही रहे। कितना मिनट लगेगा भाई ऊपर, अरे भाई अभी तो 40 मिनट, 1 घंटा। अरे यार, अच्छा भाई तो डरा रहे यार, 1 घंटा हो जो 15 मिनट कह रहा है, 1 घंटा। हाँ वही, क्या हुआ, सांस तो ठीक है, हमारी आवाज गुजरी है, सही बताऊं ठंड के कारण ना सांस नहीं आ रही यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, जितना रेस्ट करेगा ना व्यू पॉइंट फिर खराब हो जाएगा। 4 बज गए गाइस, और हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है, क्योंकि धूप, वो कह रहा सांस नहीं आ रही, तो व्यू की पॉइंट की माँ की आँख, धीरे धीरे चल, तो सांस तो मुझे भी नहीं आ रही यार, पहली बात ना सांस तो नहीं आ रही। और ट्रैकिंग देख रहे हो आप लोग, ये होती ट्रैकिंग शॉर्टकट वाली, बड़ी खड़ी चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई, पैर फिसला बेटा नीचे, कहाँ है तू, लो भाई यार, इस नैनीताल लेक व्यू पॉइंट के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, मेरा बंदा तो भाई चल ही नहीं पा रहा, सांस ही नहीं आ रही, ऊपर से पानी भी नहीं लाया, पानी भूल गया रेस्टोरेंट में,
मेरे को नहीं आ रही सांस, अभी भी खड़ी चढ़ाई है। वो शाम 5 बज चुके हैं, जितना लेट होंगे तो व्यू देख नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी। गाइस अभी हम इतने ऊपर आए हैं और हमें तो कहाँ जाना है, वो आपको देख रहे लोग, उस पहाड़ पे एक लड़की खड़ी है, वहाँ हमें वहाँ जाना है। और 2 किलोमीटर दूर अभी वो बहुत है ऊपर है, और जब व्यू पॉइंट ना बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है और पूरा नैनीताल दिखता है, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा। और अभी हम ना हाईएस्ट पॉइंट पे है और ना हैप्पी तो पीछे रह गया क्योंकि उसकी सांस नहीं आ रही, मेरे को भी सांस नहीं आ रही। अब व्यू तो बोल भी नहीं पा रहा सांस के कारण, पता नहीं गाइस शायद हम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। मेरे दोस्तों भी बहुत पीछे है, वही देख रहे हो फुल प्रॉपर वाली ट्रैकिंग, रास्ते ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे, बस भगवान जी पहुँचा दो यार, अब हमसे ना रहा जा रहा है। इतना तो मेरे को वैष्णो देवी भी नहीं हुआ था जितना यहाँ हो रहा है, इतना ऊपर आ गया आप सोच भी सकते। अभी यार और ऊपर जाना है, रास्ता जा कहाँ रहा है भाई साहब, ऐसा नज़ारा देखना है ना तो तुम्हें वो संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं है, हम पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़, अभी और ऊपर जाना है। मैं तो भाई फट गई, आ दोबारा ट्राई करते हैं रास्ता। हो तू तो भाई आराम से आई वहीं से, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, अगर पैर फिसलाना तो सीधा नीचे। सही जा रहा हूं ना मैं, कल्ले कल्ले भाई साहब को चक्कर उल्टी आ रहे हैं, हम तो चल रहे हैं। यहाँ पे आके मैप खत्म हो रहा है प्रॉपर। सो गाइस हम एक्चुअली नैना पिक बोलते हैं उसको, अब हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। ये देखो आप व्यू चेक करो, इसे कहते हैं नैना पिक। ये भी दिन ये मेरा दोस्त है, थक चुका है, पहुँच गया भैया, कहीं और जाना है नीचे से या ऊपर? 200 मीटर है इधर, लेफ्ट दे। अच्छा आ जा आ जा। ये कौन सा रूट है? लड़कियां तो खुश होगी। और ये रूट कहाँ आ रहा है? वो नीचे जाने का है? कोई नहीं, हमें तो यहाँ जाना है इस व्यू पे, 200 मीटर और चलना है। यहाँ तो सांस नहीं मिल रही थी, हम लोग पहले आ रहे थे ना, इसे कहते हैं चाइना पीक। ये रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। बोतल कितने की थी? मैं 40 रुपए की पानी की बोतल है। बकायदा हम 2 बोतल छोड़ के आए नीचे रेस्टोरेंट में बिन फालतू में, वही भूल गए हम। हमें आज पता चला पानी की अहमियत क्या होती है। 40 की बोतल खरीदी हमने जो 10 रुपए की आती है, 20 रुपए की आती है, टैक्स बैठ के पहाड़ के ऊपर आते आते। और हम इतनी फीट ऊपर आप सोच नहीं सकते, 6000 है शायद ना, कितने 8000 फीट मायने होता है। अब आज तो पता नहीं कितना है लेकिन देख लो बुर्ज खलीफा ही फील है। अब जा रहे हम मेन अपने व्यू पॉइंट के लिए जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। बेंच आई है, समझ लो हम सबसे ऊपर है, बाहर दिख रहा है हमारी टक्कर के बराबर है, बराबर भी क्या बोले, जैसी भी है
देख रहे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे इतने मोटे मोटे पेड़, कोई कह सकता है लोग तब भी रहते हैं यहाँ पे और हमसे यहाँ चला नहीं जा रहा। जो आपको मैं व्यू दिखाने वाला हूँ ना गाइस, आपका दिल रोम रोम हो जाएगा। पहली बात तो मेरे बाल शॉर्ट है, जिसको पसंद आना है आ जाऊंगा, जिसको नहीं करना पसंद उसको नहीं आऊंगा, है ना। देख ले ऑफर लगवा रहा हूँ लड़कियों से, जिसको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल देखना है नोमित कनौजिया के नाम से मेरा, और नोमित कनौजिया के नाम से यूट्यूब भी है। एक्चुअली आई एम सिंगल ही, ठीक है, ना किसी का आना ना ही किसी का जाना। ये देखो ना दिल्ली वाले नहीं पूरे कंट्री वाले करते हैं ये छाप तो जरूर छोड़ेंगे। शायद हम गलत पॉइंट पे तो नहीं आ गए। इस चीज के लिए हमने संघर्ष करा, नैना हाँ सही पॉइंट पे आए हम, नैना तेरे मस्त पॉइंट आया था, मस्त पॉइंट। अबे नीचे है, वाओ ये देखो गाइस, इस चीज के लिए हमने इतना संघर्ष करा, चल के आना पड़ा। भाई साहब वो है नैनीताल, हम वहां थे, हम कहाँ आ गए। कूद के देखे कितना गहरा है, मैं तो कह रहा हूँ वो कूद के देखते हैं। अब चढ़ गए तो पुणे जाएंगे, कैसे लगा के सांसें रुक गई आपकी। तो गाइस इसी पॉइंट के लिए हम इसे कहते हैं नैना पीक पॉइंट, यहाँ से आपको पूरा नैनीताल दिखता है, पूरा नैनीताल। तीन किलोमीटर की ट्रैकिंग थी, 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग। अगर यहाँ आओगे ना तो भैया जी जिम करके आना या साइकिल लेके चला के आना, साफ सीधी बात है। और ये व्यू के लिए हम ऊपर आए, हमारा स्टे उस साइड। ट्रैक हो गया हमारा कंप्लीट, व्यू भी हमें दिख चुका है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया गाइस। पूछो क्यों, क्योंकि हम थोड़ा लेट निकले थे, क्योंकि ना थोड़ी सनलाइट वगैरह ना कम हो गई है और आधे घंटे बाद ना यहाँ रात हो जाएगी, और हम पहाड़ के सबसे ऊपर है, और जितने भी पहाड़ है ना सबसे ऊंचा पहाड़ इसी को कहते हैं, और यहाँ से पूरी सिटी दिखती है। और रात को रुकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें 3 किलोमीटर दोबारा नीचे जाना है, और जो रास्ते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, वहाँ ना ही कोई लाइट है ना ही कुछ है, और हम जा रहे हैं। पर ये हाँ बस, अगर आप नैनीताल आ रहे हैं ना, नैनीताल में बस एक लेक है देखने लायक, एक बार ये ट्रैक पे आना, इससे कहते हैं नैना पीक या चाइना पीक, दोनों ट्रैक कहते हैं। एक दो और है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए तो हमारी तो भाई सही बताओ ना हालत ही डाउन होगी। अब क्या ही कहे, बाकी थोड़ी सी दिक्कत हुई। उधर तो हम प्यार से जाएंगे, थोड़ी फोटो खिंचवा ली, हम चढ़ भी आराम से, अब ठंड लग रही है, टी शर्ट में घूम रहे हम, हड्डी वाले टी शर्ट में, लोग मेरी पैंट देख रहे हैं कि भाई कौन आ गया विदेश से। चलो अब तो हिस्सा। सो गाइस हम अब घर जा रहे हैं, टाइम हो चुका है, और मेरे बाल है सुंदर सुंदर, पता है हम कितने ऊपर है, अभी आपको दिखाते हैं, चेक करो, ये दिख रहा है आपको, अरे फ्रंट कैमरे से उल्टा।
होगा 8,622। अभी हमें नैना पिक कहते हैं, चाइना पिक कहते हैं, दोनों कहते हैं। अभी हम हैं 8,622। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है देखेंगे। एक यही स्टॉल है यहाँ पे, आपको खाने पीने मिल सकता है। 40 रुपए की बोतल मिली है हमें यहाँ पे, और मंदिर भी है अंदर आगे जाके, वो भी 2 किलोमीटर है। और 2 किलोमीटर समझ लो आपका आधा घंटा कहीं नहीं गया। आगे कुंड भी है, कोई बता रहा था मैं, हमें पक्का नहीं मालूम। जो प्रॉपर ट्रैकिंग करता होगा वो आ सकता है, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं है। अभी तो हमारा स्टार्टअप है, हमारे घर वालों ने 3 करोड़ रुपये लगाए ना हमारे स्टार्टअप के लिए कि जाओ ट्रैकिंग करो और माउंट एवरेस्ट चढ़ना। माउंट एवरेस्ट के लिए तो ऐसा करोड़ों रुपये लग जाएंगे, कम से कम 40-50 लाख रुपये चाहिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। 10 लाख का तो पहले तो सरकार को देना पड़ेगा, नेपाल सरकार को। 25 लाख रुपए वो सब कुछ वो अरेंजमेंट देख लो कौन कर, मैं तो प्लॉट ले लूँ यार 25 लाख में, माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ेगा? और जिंदगी का पता नहीं, यहाँ मर जाऊँ तो कि नहीं मर जाऊँ, माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। चढ़ते हैं भाई वो बाहर के लोग, लाश भी तो बहुत मिलती है। तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे, तो गाइस अब नीचे जा रहे हैं हम। जितना ऊपर चढ़ने में दिक्कत हुई थी ना, उतना उतरने में, क्यों? क्योंकि पैर अपना चल रहे हैं, क्योंकि ढलान है ना, खड़ी चढ़ाई थी, अब खड़ी उतार है, उतार कर रहा हूँ ना उतार सीधा। स्टेबिलिटी नहीं हमारे पैरों में, सॉरी मेरे पैरों में, देख रहे हो। हमको अपने साथ मत जोड़िए। मज़ा तो बहुत आया, यहीं से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था और यहीं से हम नीचे जाएंगे। अब बहुत खतरनाक ट्रैक था ये, 3 किलोमीटर का था, 2 घंटे लग गए हमें, 2 घंटे। अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे। टूरिज्म जू नहीं है, नैना किलबरी इको टूरिज्म जू पर नहीं है, ऊपर ट्रैक है। ट्रैक ये हमारी धन्नो दिल्ली से आई है, धन्नो